हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू कर दें। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सभी जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो क्लास है हम वो शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा दो मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सभी जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर ले और उसके बाद हम जो क्लास है वो शुरू करते हैं। जल्दी से क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू कर दें। और आज हमने जो शुरू करना है, कल हमने यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, राजस्थान प्लेन तक आपको बता दिया था। आज हमने जो पंजाब हरियाणा प्लेन है उसके बारे में पढ़ना है। पंजाब हरियाणा प्लेन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब आपको ये भी मैंने समझा दिया था। नमस्ते लक्ष्मी, ये जो है ये भी मैंने आपको करा दिया था कि सिंध सागर दोआब क्या है, जेच दोआब, रेचना दोआब, बारी दोआब, बिष्ट दोआब, ये मैंने आपको बता दिया था। आज हमने जो शुरू करना है वो गंगा के प्लेन से शुरू करना है। तो जल्दी से जो क्लास है ना वो ज्वाइन किया करो। हम जो पढ़ेंगे वो आज कहाँ से पढ़ेंगे, गंगा के प्लेन यानी कि गंगा मैदान के बारे में, गंगा का मैदान के बारे में आप हम पढ़ेंगे कि गंगा का मैदान क्या होता है और इसके बारे में आप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि ये जो गंगा प्लेन है ये किसके बीच में लाई करता है, यमुना रिवर, जो यमुना नदी है ठीक है, और आपका वेस्ट में बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां तक गंगा का प्लेन है। कुल मिला के बोल दो ये आपका इंडिया है और यहाँ पे आपका बांग्लादेश है और यहाँ से आपकी यमुना नदी जाती है। तो यहां से लेके और यहां तक ये पूरा जो एरिया है ये आपका क्या है, गंगा का प्लेन है। गंगेटिक प्लेन में आता है, गंगा के मैदान में आता है। पश्चिम में यमुना क्षेत्र से पूर्व में बांग्लादेश की सीमा के बीच का जो क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो गंगेटिक प्लेन में आता है। और गंगा का मैदान जो है घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। एक बात याद रखना, आप इसके बाद जो आपका चैप्टर शुरू होने वाला है वो ड्रेनेज बेसिन ही शुरू होने वाला है। इंडिया के ड्रेनेज के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें हम इंडस रिवर सिस्टम, गंगेटिक रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना, आपकी जो गंगा है, गंगा की जो सबसे लास्ट की नदी है, अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो वो आपकी महानंदा है, ऐसे ही राइट बैंक की जो लास्ट नदी है वो आपकी सोन है। और आपकी जो गंगा का ये मैदान है, ये घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच का जो मैदान है उसको बोला जाता है गंगा का मैदान। ठीक है, और ये पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1400 किलोमीटर यानी कि ऐसे और ऐसे, ये आपका वेस्ट और ये ईस्ट, इसके बीच इसकी आपकी लंबाई कितनी है इस मैदान की, 1400 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है।
ठीक है। और मैदान का अगर ये जो गंगेटिक मैदान है इसका ढाल देखोगे तो ढाल किस तरफ है, देखो मोस्टली जो गंगेटिक गंगा का मैदान है वहां की जो नदियां हैं वो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ही गिराते, तो इसका स्लोप किस साइड है ऐसे, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। ठीक है, सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से, ये देखो ये आपका नॉर्थ, यहाँ से उत्तर पश्चिम से क्या है दक्षिण पूर्व की तरफ है, और 15 सेंटीमीटर किलोमीटर इसका झुकाव है। और इस मैदान की सबसे ज्यादा अधिकतम ऊंचाई कहाँ पे है, सहारनपुर में, ये सबसे इसकी ज्यादा सहारनपुर कहाँ पे आपका यूपी में 276 मीटर है। ठीक है, इसके बाद रुड़की, फिर आगरा में, फिर कानपुर में, पटना, कोलकाता, सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ पे है याद रखना, सहारनपुर में, उसके बाद रुड़की में है, रुड़की के बाद आगरा, आगरा के बाद आपको बताया गया कि ये गंगा का मैदान कहाँ पे उसकी ऊंचाई ज्यादा है, कहाँ पे उसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, और मैदानी इलाकों में जो मुख्य प्राकृतिक विविधताओं में, अब ये देखो कल मैंने आपको बताया था भाबर क्या होता है, तराई, बांगर, खादर, ये कल सब पढ़ाया था, इंग्लिश में भी देख लो ये आपको बता दिया है। एवरेज इसकी चौड़ाई कितनी है 300 किलोमीटर, लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट इस प्लेन की सहारनपुर में है, फिर रुड़की में है, उसके बाद इसमें है। ठीक है, और इस ये जो आपका गंगा का प्लेन है ना, इसमें आपके बहुत सारे लैंड फॉर्म देखने को मिलते हैं, जैसे आपका भाबर है, तराई, बांगर, खादर, ये कल बताया था, आपके रिवर बल्स हैं, यानी कि आपके प्राकृतिक तटबंध है, ये सब मिलते हैं आपके। ठीक है, और यहाँ के जो फॉरेस्ट है, यानी कि ये जो गंगा का मैदान है, यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो काटे जा रहे हैं, क्लियर कर दिए गए हैं, क्यों, एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए। ठीक है, एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, और जो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश आजाद होने की वजह से पाकिस्तान से जो प्रवासी लोग आए थे उनके घर के लिए, उनके सेटलमेंट के लिए भी इस एरिया के जो फॉरेस्ट है उनको साफ कर दिया गया था। और यहाँ पे आपका दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है क्या कोई बता सकता है, दुधवा नेशनल पार्क आपका यूपी में है। ठीक है, और ये टाइगर रिजर्व है, कृषि भूमि के लिए जंगलों को साफ कर दिया गया, क्यों, और विभाजन के बाद जो पाकिस्तान से आए प्रवासी थे उनको भी बसाना था, इसलिए भी यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो साफ कर दिए गए, और यहाँ पे आपका दुधवा नेशनल पार्क है। अब सबसे पहले बात करेंगे द अपर गंगा प्लेन, ठीक है, ये है इंडिया, इंडिया में ये अपर गंगा प्लेन कौन से एरिया में आता है, अपर गंगा प्लेन इंक्लूड करता है गंगा, यमुना, दोआब, यहाँ पे जहां पे आपकी गंगा और यमुना मिलती है, यानी कि आपके इलाहाबाद तक, ठीक है, वहां तक आपका है इलाहाबाद तक। तो इसमें जो अपर गंगा प्लेन है ना, इसमें कौन कौन सा एरिया था आपका, पंजाब का कुछ पार्ट, हरियाणा, दिल्ली, और आपका वेस्टर्न यूपी, इसमें फैला है आपका अपर गंगा मैदान। ठीक है, और इसका जो कैचमेंट एरिया है, मतलब कि यमुना रिवर जो है इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है, ये आपका क्या है, ये आपका अपर गंगा प्लेन है, तो इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है यहाँ से आपकी कौन सी नदी है, यमुना रिवर है। ठीक है, और ये नॉर्थ है, नॉर्थ में क्या है, शिवालिक है, नॉर्थ में क्या है, शिवालिक है, और 125 मीटर की जो कॉन्टूर है वो साउथ में इसकी क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है, किसकी बाउंड्री बनाती है, अपर गंगा प्लेन, देखो ये आपका ऊपरी गंगा का मैदान है, इसके नॉर्थ में शिवालिक है, इसके वेस्ट में क्या है, इसके वेस्ट में है यमुना रिवर, और इसके साउथ में क्या है, इसके साउथ में 125 मीटर की कॉन्टूर है जो इसकी बाउंड्री बनाती है, इट इज ट्रेवल्स बाय काली एंड शारदा रिवर। ठीक है, और यूनिक जो फीचर है अपर गंगा प्लेन का, एक मिनट बेटे, एक मिनट रुकना,
ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला गया है ये देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये आपका अपर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन में याद रखना बेटे, इसमें पंजाब का पार्ट नहीं, इसमें हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसकी जो ये नॉर्दर्न बाउंड्री है, यहाँ पे आपके शिवालिक माउंटेन है। साउथ में इसके क्या है, 125 मीटर की कॉन्टूर है। वेस्ट में इसके क्या है, यमुना रिवर है। और ईस्ट में इसके क्या है, मिडल गंगा प्लेन है, ये आपको बताया जा रहा है। और ये जो आपका अपर गंगा प्लेन है ना, इसमें गंगा और यमुना नदी तो है ही है, साथ ही साथ इसमें कार्ली और जो शारदा रिवर है ना, वो भी बहती हैं। और यूनिक जो फीचर है, एक अलग जो फीचर है, एक अलग जो विशेषता है अपर गंगा प्लेन की, वो क्या है, यहाँ पे आपके भूड़ मिलते हैं। भूड़ ऐसे हिंदी में और भूर इंग्लिश में बोला जाता है। भूर क्या होता है आपका, एओलीन, यानी कि जो आपकी हवा है, हवा के द्वारा मिट्टी को, हवा हवा अपने साथ क्या लेके आती है, मिट्टी। मिट्टी को ला के क्या करती है, ऐसे डिपॉजिट कर देती है। तो एक आपका क्या है, उबड़ खाबड़ रेत का टीला होता है, इसको बोला जाता है आपका भूड़। ठीक है, और ये जो अपर गंगा प्लेन है, इसमें आपका शुगर केन, राइस, वीट, मेज, पल्सिस, मस्टर्ड, आपकी फोडर क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑर्चार्ड्स हैं, ये लगाए जाते हैं। इसके लिए ये जो प्लेन है वो फेमस है। और ये प्रोडक्टिव प्लेन है, यानी कि यहाँ से जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत उपजाऊ जो है ये प्लेन है। और ये वो प्लेन में है इंडिया का जहां पे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस रहा है, ये वाला पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। अब जो आपने अपर गंगा प्लेन पढ़ा, क्या इसमें कोई डाउट है, इसके पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जहां पे फेमस हुआ था वो प्लेन है अपर गंगा प्लेन। इसकी नॉर्थ में बाउंड्री बनाता है शिवालिक, साउथ में बाउंड्री बनाता है 125 मीटर की कॉन्टूर, वेस्ट में बाउंड्री बनाती है यमुना नदी, और ईस्ट की जो बाउंड्री करता है वो इसकी है मिडल गंगा प्लेन। इसमें कौन कौन सा एरिया है, हरियाणा, हरियाणा प्लस दिल्ली प्लस वेस्टर्न यूपी, ये आपका अपर गंगा प्लेन में है। यहाँ पे आपकी यमुना नदी, गंगा नदी और आपका शारदा और काली नदी, इस जो आपका अपर गंगा प्लेन है इसको पार करती है। और यहाँ की एक जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है भूड़, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है भूर। ये हवा के द्वारा जो मिट्टी उड़ा कर ली जाती है उसके द्वारा बनाए गए ये छोटे छोटे टीले हम इसमें मिलते हैं अपर गंगेटिक प्लेन में। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव प्लेन है, मतलब कि यहाँ पे ये कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। यहाँ पे उपजाऊ आपकी सोयल मिलती है, एल्यूवियल सोयल यहाँ पे मिलती है। अब हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मिडल गंगा प्लेन के बारे में। ऊपरी गंगा का मैदान तो हो गया, ये बता दी इस आपको, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ये मिडल गंगा प्लेन के बारे में। मिडल गंगा प्लेन आपका कौन कौन से एरिया में फैला है, आपका यूपी प्लस बिहार और थोड़ा सा पार्ट आपका वेस्ट बंगाल का, ठीक है। ये है आपका मिडल गंगा प्लेन, इतने एरिया में फैला हुआ है। देखो आपके जो गंगा प्लेन है ना, उसके तीन पार्ट है, अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। सबसे ज्यादा एरिया किसका है, इस मिडल का, मिडल के बाद आपका अपर का और लोअर का सबसे कम एरिया, इतने स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। और ये किस किस को इंक्लूड करता है, मिडल गंगा प्लेन इंक्लूड करता है सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी को, क्योंकि वेस्टर्न यूपी किस में आता है, वेस्टर्न यूपी आपका आता है अपर गंगा प्लेन में, बिहार प्लेन में, बिहार पटना तक, ठीक है। और अब इसके, या ये जो आपका अपर गंगा प्लेन है, इसकी नॉर्थ में बाउंड्री शिवालिक, ठीक है, और इंडो नेपाल का बॉर्डर है,
ये देखो, ये आपका आप मिडल गंगा प्लेन है, इसके नॉर्थ में क्या है, यहाँ पे आपके शिवालिक है यानी कि आपके नेपाल का बॉर्डर है, साउथ में इसके वही 125 मीटर की कॉन्टूर है, वेस्ट में इसके अपर गंगा प्लेन है और ईस्ट में इसके लोअर गंगा प्लेन है। उसके बाद बताया जाता है कि इसमें एल्यूवियल जो डिपोजिट है, हिंदी में भी देख लो कि इसमें कंकर गठन कम होने के साथ मोटी जलोढ़ निक्षेप है, यानी कि यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी है ना उसका जो डिपॉजिट है वो बहुत मोटा है और इसमें जो कंकड़ है वो बहुत कम मिलते हैं, और ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, होमोजीनियस यानी कि सेम है, हर जगह सेम कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, वेयर और इसकी जो मोनोटोनी है मतलब कि ये जो सजातीय यानी कि जो ये यूनि सेमनेस है, हर जगह सेम मिलता है, ये कहाँ पे टूटती है, जहां पे आपकी नदी के तटबंध होती है, कहीं चट्टाने होती है वहां पे ये जो इसका होमोजीनियस नेचर है ना वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद कहते हैं लो ग्रेडियंट प्लेन, ग्रेडियंट मतलब ढाल, इसका जो ढाल है ना स्लोप क्या है, इसका कम है, स्लोपी एरिया नहीं है ये, प्लेन एरिया है, और यहाँ पे जो नदी है वो अपना क्या है रास्ता बदल लेती है, कभी नदी यहाँ से बहती है तो कभी नदी यहाँ से, तो कभी नदी यहाँ से, कभी नदी यहाँ से, जिसकी वजह से इस एरिया में बहुत सारी क्या आती है, बाढ़ आती है, जैसे आपका कोसी है, आपका गंडक नदी है जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, ऐसे ही जो सोन है वो राइट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, मिडल गंगा प्लेन में, ये आपको बता दिया। यहाँ पे देखो ये आपका बिहार है, बिहार की फेमस रिवर है जिसको बोला जाता है कोसी, और कोसी को क्या बोला जाता है सोरो ऑफ बिहार, और कोसी को लाइफ लाइन ऑफ बिहार भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो पूछ लेना आप। अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ये लोअर गंगा प्लेन के बारे में, जो लोअर गंगा प्लेन है उसका एरिया इतना है, और लोअर गंगा प्लेन आपका पटना से दार्जिलिंग यानी कि दार्जिलिंग कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग तक है और बे ऑफ बंगाल तक साउथ में, ठीक है, नॉर्थ में इसके क्या ये बता रहे हैं कि ये जो आपका लोअर गंगा प्लेन है ये है, इसके नॉर्थ में यहाँ पे जो है ना आपकी कौन सी हिल्स है, दार्जिलिंग हिल्स है, ठीक है, दार्जिलिंग हिल्स, इसके वेस्ट में आपको दिख रहा है मिडल गंगा प्लेन है, ईस्ट में क्या है बांग्लादेश है, और साउथ में क्या है बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। उसके बाद इट इज बॉर्डर्ड बाय असम एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, ये मैंने बता दिया, इसके ईस्ट में असम और बांग्लादेश है, और वेस्ट में छोटा नागपुर प्लेटू, या आप बोल सकते हो वेस्ट में इसके मिडल गंगेटिक प्लेन है, और जो लोअर पार्ट है गंगा प्लेन का वहां पे सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पे जो आपकी दोनों नदियां हैं गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, यहाँ पे आपका ये बांग्लादेश है, ये दोनों यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करती है, और यहाँ से आपका असम से बांग्लादेश में एंटर करती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, दोनों मिलके एक हो जाती है और यहाँ क्या बनाती है आपका डेल्टा बनाती है, ठीक है, कल डेल्टा समझाया था डेल्टा कैसे बनता है, और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, और इसको सुंदरबन डेल्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष मिलते हैं, उसके नाम पे इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है, ठीक है। अब जो ईस्टर्न पार्ट है ना इस प्लेन का, वहां पे आपकी तीस्ता नदी, आपकी जल ढाकिया संकोच रिवर ब्रह्मपुत्र से जुड़ती है, और जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे महानंदा मनंदा एक मिनट महानंदा है, अजय है, दामोदर है, ये नदियां बहती है, और एक्सट्रीम साउथ की बात करें तो वहां पे सुवर्ण रेखा भी मेन रिवर है, जो लोअर गंगा प्लेन है ना ये जो डाउन वापिंग है, जो आपका लोअर गंगा प्लेन है इसका निर्माण कैसे हुआ, डाउन वार्पिंग यानी कि नीचे धसने की वजह से, उसकी वजह से हुआ है, ये कहते हैं लोअर गंगा प्लेन हैज बीन फॉर्म बाय डाउन वार्पिंग ऑफ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बिटवीन राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेटू, ये आपका यहाँ पे
ये देखो ये इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे आपके राजमहल हिल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, आपका यहाँ पे मेघालयन प्लेटू है, मेघालय में। इन दोनों के डाउन वॉपिंग की वजह से और कॉन्टिन्यूस नदी ने यहाँ पे क्या किया है, सेडिमेंट इकट्ठा किया, तो इस सेडिमेंट की वजह से यहाँ पे आपका एक प्लेन बना है जिसको बोला जाता है आपका लोअर गंगा प्लेन। और ये आपका जो प्लेन बनाया वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ जो मिट्टी गाद लेकर आई है और उसने लाकर यहाँ पे डिपोजिट कर दिया, तो उसकी वजह से ये आपका लोअर गंगा प्लेन बना है। अपर गंगा प्लेन, मिडल, लोअर, पंजाब, राजस्थान प्लेन, ये सारा समझा दिया। भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या है, और आपका खादर क्या है, ये सारा समझा दिया। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट जो है हम वो शुरू करते हैं। अब उसके बाद आपको बताया गया है कि राहर प्लेन क्या होता है, ठीक है, हिंदी में राहर प्लेन, जो छोटा नागपुर पठार है, ये आपका छोटा नागपुर पठार है। कहाँ पे, ये मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेटू में बताया था, यहाँ पे आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, इसके पूर्व में यहाँ पे स्थित है, और यह जो है ना निचला जो गंगा का मैदान है उसका एक हिस्सा है। यहाँ पे दामोदर सुवर्ण रेखा जो नदी है वो बहती है, ये दामोदर और सुवर्ण रेखा नदी इसको क्या करती है, पानी यहाँ पे पानी की कमी को पूरा करती है, और ये लेटराइट और एल्यूवियम जो सोयल है यहाँ पे मिलती है। सोयल इरोजन, सोयल का अपरदन इस एरिया की मेन प्रॉब्लम है। यहाँ पे राइस, मेज, पल्सिस यानी के चावल, दालें, ये मेन क्रॉप है राहर प्लेन की। फिर है सुंदरबन, सुंदरबन आपको मैंने बताया था लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड के, और सुंदरबन बहुत ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है। यहाँ पे सुंदरी नाम के ट्री मिलते हैं, जो मार्श लैंड दलदली भूमि में, यानी कि जहाँ पे पानी भी हो मिट्टी भी हो ऐसी कंडीशन में ये ग्रो करते हैं, और ये रॉयल जो टाइगर है और क्रोकोडाइल है उसके लिए फेमस है। उसके बाद दोआब, दोआब क्या होता है, दोआब दो किस से मिलकर बना है, दो वर्ड से मतलब मिलकर बना है, दो दो मतलब टू, आब मतलब वोटर, यानी के दो वोटर पार्ट को, दो वोटर पार्ट को अलग करने वाले को बोला जाता है दोआब, यानी के एक रिवर इधर है रिवर वन, ये एक रिवर है इधर रिवर टू, इन दोनों के बीच में ये जो मिट्टी का उठा हुआ भाग है इसको बोला जाता है दोआब, और इसको वॉटर डिवाइड भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो आपका जैसे पंजाब है, पंजाब भी दो वर्ड से मिलकर बना है, पंज, पंज का मतलब होता है फाइव और आब का मतलब होता है वाटर, यानी के पांच वॉटर सोर्स को अलग करने वाले को बोला जाता है पंजाब। वहां पे आपकी पांच रिवर है और इन पांचों रिवर के बीच में एक उठा हुआ भाग होता है जिसको बोला जाता है दोआब, और ये मैंने आपको बता दिया। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन। प्लेन एरिया में हमने क्या क्या पढ़ लिया ये देख लो, यहाँ पे ये हम इस प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं। इस प्लेन एरिया में हमने पंजाब हरियाणा प्लेन पढ़ लिया, राजस्थान प्लेन,
अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं ये ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन आपका असम में, मेघालय में, इन सभी एरिया में फैला हुआ। और यहाँ पे आपका ये जो प्लेन बना है ये ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया। ये देखो जहां जहां से आपकी ये तो आपका इंडिया है नहीं, यहां से ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में, इंडिया में क्या करती है, एंटर करती है। अरुणाचल के बाद ये असम में, असम के बाद ये सीधा कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में। इसका जो एरिया है वो इतना है, लगभग 56,275 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। और यह जो भारत है, भारत के महान मैदानों का, महान जो मैदान है यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है इसके, या जो ईस्टर्न पार्ट है इसमें ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसकी लंबाई 720 है और 880 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और ये जो एरिया है ये पश्चिम को छोड़कर सभी तरफ इस ये ऊंचे पहाड़ों से घिरा, मतलब कि इस तरफ से छोड़कर यहाँ से भी पहाड़ है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और ये एक निक्षेपण यानी कि डिपोजिट मैदान है। ये कैसे बनाया गया है, जमा कर करके, मिट्टी जमा होकर ये एक बहुत बड़ा मैदान बना है। और जो ब्रह्मपुत्र मैदान है इसकी सामान्य ऊंचाई पूर्व में 130 मीटर से लेकर पश्चिम में केवल 30 मीटर के बीच है। ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो पूर्व में यहाँ पे ईस्ट में ऊंचाई ज्यादा है ब्रह्मपुत्र की, और वेस्ट में ऊंचाई क्या है, कम हो जाती है, क्योंकि ईस्ट में क्या है, पहाड़ी एरिया ज्यादा है, और जैसे जैसे वेस्ट की तरफ आते तो पहाड़ी एरिया कम हो जाता है। और जो असम घाटी, असम घाटी की विशेषता यह है कि इसके उत्तरी किनारे पर तीव्र ढलान है लेकिन दक्षिणी हिस्से में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। ये मान लो ये आपका क्या है, असम है, असम का ये है उत्तरी ढाल, यहाँ पे जो स्लोप है वो ज्यादा है, और जैसे जैसे दक्षिण पार्ट में आते हैं यहाँ पे स्लोप कम हो जाता है। और कम ढाल के कारण यानी कि स्लोप कम होने की वजह से जो ब्रह्मपुत्र है वो कई द्वीपों वाली क्या है, एक अत्यधिक नदी है। और इसमें एक फेमस द्वीप मिलता है जिसको बोला जाता है माझोली द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए, माझोली विच आइलैंड इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया, तो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है वो है आपका माझोली। और माझोली इंडिया में तो क्या है, देखो वैसे आइलैंड आपके ओशन में मिलते हैं, लेकिन अगर रिवर के बीच में पूछा जाए, रिवर के बीच में इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा, तो वो माझोली है। और माझोली वर्ल्ड में, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है, और फर्स्ट पे कौन है, मरजाओ आइलैंड अमेजन रिवर में है। और ये ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है बहुत प्रोडक्टिव प्लेन है, मतलब कि यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, मिट्टी अच्छी होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी होती है, एग्रीकल्चर अच्छी होने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है, क्रॉप अच्छी आती है जिसको बेच के पैसे भी अच्छे आते हैं, और जो आपका फार्मर है वो प्रोस्पर बनता है। यहाँ पे राइस और जूट के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है, जैसे आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में जूट और राइस सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ऐसे ही आपका असम है, असम जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो किसका है, टी का है। टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर असम क्यों, क्योंकि टी के लिए हिली एरिया की नीड है, क्योंकि टी की जो जड़ें होती है उसमें पानी नहीं होना चाहिए, तो जहां पे हिली एरिया होगा वहीं पे टी अच्छा होगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत फेमस जो है ना नेशनल पार्क है, जैसे आपका काजीरंगा है और मानस है, ये आपने सुने होंगे कि ये जो है भारत के सबसे अधिक जो उत्पादक मैदान है उनमें से एक है। इसमें चावल और जूट की मुख्य फसलें उगाई जाती है, और यह जो है चाय के लिए फेमस है। और साथ ही साथ इसमें काजीरंगा और मानस जो है वो दो राष्ट्रीय, नेशनल क्या है, नेशनल पार्क है। आपने सुना होगा ना काजीरंगा है, मानस है, ये आपके पेपर में भी पूछे गए हैं, वैसे ये हम अलग से भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। जैसे अभी अभी हमने तीन आपके राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क की बात करी, आपका सबसे पहले करी दुधवा नेशनल पार्क जो कि आपका किस में है, मिडल गंगेटिक प्लेन में है, और ये कहाँ पे आपका यूपी में है। फिर सेकेंड आपकी बात करी काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पे है आपका, असम में है।
और थर्ड है आपका मानस। मानस भी कहाँ पे है आपका, असम में। देखो वैसे तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, लेकिन अगर आपको असम के नेशनल पार्क याद करने हैं तो उसके लिए MONK2 ये याद रखना। M से मानस, O से औरंग, N से आपका नमेरी, K से काजीरंगा। ठीक है, ये है आपका मोंक D2। डिब्रू सिखोवा और दिहिंग पटकाई ये दो और हैं, बट ये मोंक, ये जो आपको वर्ड दिख रहा ना मोंक, ये चारों टाइगर रिजर्व भी हैं। M से मानस, O से औरंग, N से आपका नमेरी और K से आपका काजीरंगा। अब ये हमने प्लेन पढ़ लिया, प्लेन क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके रीजन और अजर्शन के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला, मैदानी इलाकों की जो मिट्टी है, मिट्टी कृषि की दृष्टि से बहुत उपजाऊ है, तो आपको रीजन में दे देंगे कि सब रीजन में देंगे कि द सोयल ऑफ प्लेन एरिया इज वेरी प्रोडक्टिव। ठीक है, ये रीजन दे दिया कि जो आपका मैदानी इलाका है उसकी जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, और अजर्शन में देंगे इसलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा मिलती है। तो वो रीजन और अजर्शन दोनों ठीक होंगे। क्यों पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा क्यों मिलती है, क्योंकि वहां पे कृषि अच्छी होती है। जब सोयल फर्टाइल होगी वहां पे कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो वहां का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होगा। ठीक है, उन्हें अनाज और गैर अनाज फसलों के लिए यूज किया जाता है, और जो मैदान है, मैदान को भारत का क्या बोला जाता है, अन्न भंडार बोला जाता है, क्योंकि भारत का 60% जो क्रॉप है, अन्न है, वो इन मैदानी भागों से ही लिया जाता है, इसलिए ये इंडिया के क्या है, इसलिए इन्हें इंडिया को ग्रेनरी हाउस भी बोला जाता है। इंडिया के जो ये प्लेन एरिया है, यहाँ की सोयल बहुत फर्टाइल है, और फर्टाइल सोयल होने की वजह से जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छी होती है। जहां पे एग्रीकल्चर होगी वहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि भारत के जो उत्तरी मैदान है उनसे होकर बहने वाली जो अधिकांश नदियां वो कैसी हैं, बारहमासी है। बारहमासी यानी कि जिनमें 12 के 12 महीने पूरा का पूरा साल पानी रहता है। जब पूरा का पूरा साल पानी रहेगा तो कृषि के लिए जो पानी चाहिए है उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, और जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा वहां पे कृषि ज्यादा। तो आपको ये भी रीजन अजर्शन में क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान में अधिकांश नदियां बारहमासी है, और इसका रीजन में क्या आएगा, इसलिए वहां पर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छी होती है। तो आप बोलोगे कि दोनों ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि उत्तरी मैदानी इलाकों में भूमिगत जल है, जो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका स्तर भी बहुत अच्छा है, जिसका उपयोग सिंचाई में, घरेलू में और इंडस्ट्रियल यूजों के लिए किया जा रहा है। किसके थ्रू, ट्यूबवेल और पंपिंग जो सेट है उसके माध्यम से हम जो अंडरग्राउंड वाटर उसको निकालते हैं और उसका इरिगेशन में यूज कर रहे हैं। और मैदान की जो नदियां हैं उनका डाल बहुत कम है, जो उन्हें लंबी दूरी तक क्या बनाता है, नौगम्य, यानी कि उसमें हम नाव चला सकते हैं। ये आपकी चार कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गई। जो प्लेन एरिया की जो रिवर है उनका स्लोप बहुत जेंटल है, और जेंटल स्लोप की होने की वजह से उसमें जो नाव वगैरह वो चले जा सकती है। जैसे आप देखते हो ना, जैसे आपका ऋषिकेश है, ऋषिकेश में आपका कैसा एरिया है, प्लेन एरिया, वहां पे प्लेन एरिया आ जाता है, ज्यादा पहाड़ी एरिया ना नहीं है, वो भाबर एरिया है। भाबर मतलब एकदम से पहाड़ी पहाड़ी एरिया खत्म और आपका प्लेन एरिया शुरू होता है। तो हरिद्वार ऋषिकेश वो जगह है, और वो बोट वहां पे आपने देखा हो ना कि बोटिंग करने के लिए जाते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड रेलवेज कुड बिकम। अब देखो ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया तो यहाँ पे रोड और रेलवे लाइन है, इजी से बिछाई जा सकती है। लेकिन अगर पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ी एरिया में सबसे पहले मुश्किल चीज यही है कि वहां पे रोड बनाए कैसे। सबसे पहले तो प्लानिंग ही मुश्किल है। चलो प्लानिंग कैसे ना कैसे हो गई, फिर वहां पे रोड बनाने के लिए सामान कैसे पहुंचाया जाए, ये सबसे मुश्किल है। तो ये एक
आप बोल सकते हो एडवांटेज है प्लेन एरिया की। और जो सेडिमेंटरी रॉक है प्लेन में, उसमें पेट्रोल और नेचुरल गैस जैसे डिपॉजिट मिलते हैं। जो सेडिमेंटरी रॉक्स है ना, उसमें सबसे नीचे देखो आपको मिलेगा कोल, कोल के ऊपर मिलता है आपका पेट्रोल, पेट्रोल के ऊपर आपको मिलता है नेचुरल गैस। जैसे ही कोल पे प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा लगता है तो ये कोल चेंज हो जाता है पेट्रोल में, और जब पेट्रोल पे टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा लगता है तो ये चेंज हो जाता है नेचुरल गैस में। और जो प्लेन है ये पूरा एरिया है कंट्री का, इसका 1/3 से भी कम टोटल एरिया कवर करता है, लेकिन 40% जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की वो रहती है। अब आपको ये तो दे दिया जाएगा रीजन, ठीक है, और अजर्शन क्या दिया जाएगा, द प्लेन कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री बट सपोर्ट 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब अजर्शन में दिया आ जाएगा बिकॉज, क्योंकि जो प्लेन एरिया है वहां पे सोयल जो है वो फर्टाइल है, और सोयल फर्टाइल होने की वजह से वहां पे एग्रीकल्चर अच्छी है। तो आप बोलोगे कि रीजन अजर्शन दोनों करेक्ट हैं। उसके बाद कहते हैं हिंदी में देख लो, ये समझ में आ गया कि जो मैदानी इलाके इसमें सड़क और रेलवे जैसे ये जो ढांचे हैं इसका जो विकास है वो आसानी से हो जाता है, और इसकी जो सेडिमेंटरी जो चट्टानों उसमें पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, और मैदानी जो क्षेत्र है इसमें देश का एक तिहाई जो है, एक तिहाई से भी कम हिस्सा है मैदानी एरिया का। पूरे इंडिया का अगर 100 है ना, 100 में से 1/3 एरिया भी कवर नहीं करता, लेकिन ये 40% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। उसके बाद कहते हैं कि इतिहास की शुरुआत से ही मैदानी इलाकों में कई धार्मिक, यानी कि जो प्लेन एरिया ना आपका, यहाँ पे अलग अलग धर्म के, राजनीति के, सांस्कृतिक अलग अलग उनका सोशल लाइफ है, सामाजिक अलग अलग आंदोलन इसमें देखे गए हैं। और दुनिया के जैसे बहुत सारे आपके बहुत महान धर्म है, हिंदू है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इन सब की जो उत्पत्ति है ना वो भारत के मैदानों से ही हुई है। और कई जो पवित्र स्थान है जैसे आपका अमृतसर है, हरिद्वार है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, कुशीनगर है, बोध गया है, ये इस मैदान में ही स्थित है, इसलिए भी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ की ज्यादा है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो कि जो प्लेन है यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियन, मतलब यानी कि बहुत सारे आपके धर्म, बहुत पॉलिटिकल पार्टी, बहुत अलग अलग कल्चर, सोशल मूवमेंट बहुत अलग अलग देखे गए हैं इसकी हिस्ट्री में। और ये भी देखा गया है कि जो पूरे वर्ल्ड के मेजर ग्रेट बड़े बड़े महान जो रिलीजन है जैसे हिंदू है, बुद्ध है, जैन, सिक्किम, इन सब का ओरिजन इस प्लेन एरिया से ही हुआ है। बहुत सारे यहाँ पे तीर्थ स्थल भी हैं जैसे अमृतसर है, हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, वो इस प्लेन एरिया में ही शामिल है। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ ना आया हो, ये आपका जो प्लेन एरिया है वो हमने कर लिया है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमने जान लिया है। ये पूरा जो प्लेन एरिया है यहां से लेके यहां तक ये हमने पढ़ लिया है। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको ये प्लेन एरिया समझ में ना आया हो तो पूछ लो, नहीं तो हम जो आइलैंड है ना, आइलैंड पढ़ते हैं। उसके बाद देखो एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंडिया था, इंडिया का हिमालयन वाला पार्ट, माउंटेन्स वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, जो प्लेन है प्लेन वाला पार्ट कवर कर लिया, आइलैंड जो है वो अभी हम कर रहे हैं, आइलैंड हो जाएगा, और हमने घाट वाला पार्ट भी कवर कर लिया। और अब हमारा रह गया है ये थार डेजर्ट और लद्दाख के बारे में पढ़ना। उसके बाद हमारा जो है एक टॉपिक और रह जाएगा जो है आपका कोस्टल एरिया। इस कोस्टल एरिया के नाम है आपका कोंकण तट है, इसके बारे में पढ़ना रह जाएगा। आप पहले मुझे ये बताओ कि किसी को कोई डाउट है, उसके बाद क्लास जो है ना वो शुरू करते हैं आगे। कौन कौन है क्लास में, एक बार मैं देख लूं। कृष्णा समझ में आ गया?
कृष्णा ही है अभी क्लास में। अच्छा हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं आइलैंड ऑफ इंडिया, हिंदी में मतलब कि आपके भारत के। भारत के द्वीप, द्वीपों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो भारत में जो कुल द्वीप है वो 615 हैं, जिनमें से 572 जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में हैं। 615 हैं, 615 में से 572 बंगाल की खाड़ी में हैं, और जो बाकी के 43 बच गए वो अरब सागर में हैं। देखो ये इंडिया है, इंडिया के इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, इसमें आपके 43 आइलैंड हैं, इसमें आपके कितने हैं 572, और टोटल कितने हैं 615। ठीक है, 615 टोटल है। अब ये आपका मेजर जो आइलैंड है वो अंडमान निकोबार, और ये आपका लक्षद्वीप। एक बात याद रखना, अंडमान निकोबार आइलैंड बने आपके वोल्केनो के इरप्शन से, यानी कि ज्वालामुखी के फटने की वजह से। ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फट गया, ये लावा बाहर आया, बाहर आके क्या हो गया, सोलिड होके ये जम गया, तो इसकी वजह से बने हैं अंडमान निकोबार। और ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप बना है आपका कोरल से, कोरल के डिपोजिट से, यानी कि मूंगा जिसको बोला जाता है, मूंगा या प्रवाल के डिपॉजिट से। अंडमान और निकोबार में 572 द्वीपों में से केवल 36 पर ही लोग रहते हैं, ये भी याद रखना। और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह शामिल है, जो मूल रूप से यहाँ पे टेक्टोनिक और ज्वालामुखीय है, जबकि अरब सागर के जो द्वीप समूह वो मूंगा के संरचना से बनेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि जो अंडमान और निकोबार है, एक बात और याद रखना, ये आपका इंडिया है, और इंडिया के यहाँ पे देखो आपका, देखो ये नागालैंड है, आपका मिजोरम है, ये मणिपुर है, यहाँ पे म्यांमार है। इंडिया और म्यांमार के बीच में एक आपका क्या है, हिमालय जैसी एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अराकन योमा। ये बोला जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये जो अराकन योमा है, अराकन योमा का ही ये आपका अंडमान निकोबार क्या है, पार्ट है, ये बोला गया है, ये माना जाता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से इसका कुछ जो पार्ट है वो अलग हो गया था, टूटने की वजह से ब्रोक हो गया था, और ये पार्ट अराकन योमा का ही है। और ये वोल्केन, इसकी और यहाँ की जो फॉसिल है वो सेम मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपका गंगा के मुहाने, पूर्वी और पश्चिमी तटों और खंबा की खाड़ी पर भी आपके बहुत सारे आइलैंड मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है, वहां पे एक आपका आइलैंड है जिसको बोला जाता है सागर आइलैंड। यहीं पे आपका एक आइलैंड और है जिसका नाम है आपका न्यू मूर आइलैंड। यहाँ पे आपका देखो एक आइलैंड है जिसको, जिसका क्या नाम है, ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका विलर आइलैंड है, ये सब आपको बताया जाएगा। अब देखो बे ऑफ बंगाल का जो आइलैंड है, बंगाल की खाड़ी में जो मेन आइलैंड है बे ऑफ बंगाल का, वो अंडमान निकोबार ग्रुप है। ठीक है, अंडमान और निकोबार, देखो ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, ये देखो ये अंडमान है, नीचे निकोबार है। अंडमान के आपके क्या पार्ट, कितने पार्ट है, चार, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, फिर बीच में है आपका लोअर अंडमान, और फिर आपका लिटिल अंडमान। सबसे पहले ये देखो ये क्या है आपका नॉर्थ अंडमान, फिर आपका क्या है ये मिडल अंडमान, फिर आपका ये क्या है लोअर अंडमान, या इसको साउथ अंडमान, दक्षिण अंडमान भी बोलते हैं, और ये आपका सबसे नीचे क्या है लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटल अंडमान, ये अंडमान जो है, अंडमान के चार पार्ट है। निकोबार जो है, निकोबार के भी आपके क्या है, तीन पार्ट है। सबसे ऊपर है ये आपका कौन सा है, कार निकोबार,
सबसे पहले है कार निकोबार आइलैंड, ठीक है, कार निकोबार के बाद आपका लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार के बाद आपका ग्रेट निकोबार, और जो ग्रेट निकोबार है ना, ग्रेट निकोबार पे आपका इंडिया का यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट है जो 6 डिग्री 4 मिनट पे है, इंदिरा पॉइंट, वो मिलता है। ठीक है, एक बात और सुनो, अंडमान निकोबार, अंडमान जो आइलैंड है, अंडमान आइलैंड का जो सबसे नीचे आपका जो साउथ पार्ट है, अंडमान की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किस में है? साउथ अंडमान में है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, और सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है। समझ में आ गया? अब यहां से एक चीज और देखो, अंडमान और निकोबार दोनों अलग है। अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? याद रखना, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करते हैं, यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। एक आप ये बोल सकते हो कि अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। और एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है? तो वो भी करता है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ऐसे ही आपका ये लिटिल अंडमान और जो आपका साउथ अंडमान है, इन दोनों के बीच में कौन सा आपका है 11 डिग्री नॉर्थ, 11 डिग्री चैनल है जो आपका साउथ अंडमान और लिटल अंडमान को अलग करता है। अब यह आपका लिखा लिखा भी गया है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, अलग करता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अंडमान आइलैंड का मेन लैंड से, वो 2000 है, यानी कि ये आपका इंडिया है और ये आपका क्या, अंडमान निकोबार। इन दोनों के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर है। ठीक है, और जो सदर्न पार्ट है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पे है? आपके ग्रेट निकोबार पे। ये ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार का सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है आपके इंडिया का। आ गया समझ में आपको? अब आपको बताया गया है कि ये जो आपका अंडमान है ना, यहाँ का कैसा है? वार्म यानी कि गर्म, और दूसरा ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल यानी कि जहां पे हमेशा सन ज्यादा मिलता है। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है? ट्रॉपिकल एरिया 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, इसको बोला जाता है आपका ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, और यहाँ पे जो मॉनसून का मौसम है वो मिड सितंबर तक और नवंबर से दिसंबर तक रहता है। जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अंडमान द्वीप समूह में 80 किलोमीटर पूर्व में दो ज्वालामुखी है। ये याद रखना, आपके इंडिया में सिर्फ दो ही ज्वालामुखी है, वो भी आपके अंडमान पे है, निकोबार पे नहीं है। अंडमान में भी आपका जो नॉर्थ अंडमान है उसमें बैरन और नारकोंडम है। जो बैरन है ना वो कैसा आपका ज्वालामुखी है? एक्टिव ज्वालामुखी, यानी कि जो अभी भी फटता है, जबकि नारकोंडम कैसा है? एक्सटिंक्ट, यानी कि जो सो चुका है। और अंडमान जो द्वीप समूह है ना, उसका निर्माण जो अराकन योमा है उस पर्वत श्रृंखला के विस्तार से हुआ है। ये अभी अभी मैंने बताया है आपको। अब ये बोल रखा है कि जो चावल है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मुख्य फसल है चावल। यहाँ पे नारियल, सुपारी निकोबार की मेन नकदी फसलें हैं। नकदी मतलब आपकी इंग्लिश में बोलू तो कैश क्रॉप्स हैं। यहाँ पे अनानास, अलग अलग तरीके के केले, मीठा पपीता और आम जैसे जो वार्म ट्रॉपिकल जो फल हैं वो भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। और इसके जो वर्तमान निवासी हैं इसमें, मतलब कि जो आज वहां पर रह रहे, उसमें बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के जो प्रवासी है ना, यानी कि जो भारत को छोड़ के चले गए हैं, बांग्लादेश को, म्यांमार को, वो वहां पर बसे हुए हैं, और श्रीलंका के तमिल भी वहां पर है। और अंडमान और निकोबार की कुछ फेमस जनजातियां जो आपसे एग्जाम में भी पूछी जाती है, ओरंग्स, जारवार और सेंटलीज, तीनों इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है। ओरंग्स, जारवाज और सेंटलीज। और दुनिया का जो सबसे बड़े और सबसे दुर्लभ केकड़ों में से एक जॉइंट रोबर केकड़ा दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में क्या है, पाया जाता है।
अब हम पढ़ रहे हैं अरेबियन सी आइलैंड, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम किसके पढ़ेंगे? अरेबियन सी आइलैंड। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। अरेबियन सी जो आइलैंड है ना, ये देखो ये आपका अरब सागर है। पहले पढ़ लेते हैं, इसमें 43 द्वीप है जिनमें से केवल 11 पर ही लोग थे। देखो वहां पे कितने थे आपके, इसमें सिर्फ 43 थे, और यहां पे आपके कितने थे? टोटल थे आपके 615। 615 में से 43 किसके हो गए? आपके अरब सागर में हो गए। और इस 43 में से सिर्फ 11 पर ही लोग रहते हैं। मुख्य भूमि से सबसे कम दूरी, यानी कि ये इंडिया है, इंडिया और लक्षद्वीप में सबसे कम दूरी कितनी है? 109 किलोमीटर की है। और इसी नाम के द्वीप पर स्थित कवरात्री, आपका जो लक्षद्वीप है ना, ये देखो ये आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी? कवरात्री। ठीक है, ये कोची और इसके बीच में क्या है? 109 का क्या है आपका गैप है, सबसे कम दूरी है। और लक्षद्वीप जो समूह है वो मालदीव। अब एक बात और देखो यहाँ पे, ये मैंने आपके लिए मैप लगा रखा है, ये आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 9 डिग्री चैनल पूछा जाता है, एक आपसे ये 8 डिग्री चैनल पूछा जाता है। ठीक है, आपका जो 9 डिग्री चैनल है वो किसके बीच में? यहाँ पे आपका है मालदीव। मालदीव और मिनी कोए को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और मिनी कोए और लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ये याद रखना, यही मैंने लिख रखा है कि लक्षद्वीप समूह मालदीव समूह से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। एक मिनट, एक मिनट, मैं कुछ क्रॉस चेक कर रही हूँ बेटे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डाउट है। हाँ यहाँ पे मैं ही थी, ये मैं यहाँ पे, ये जो लक्षद्वीप समूह है ना, यहाँ पे मिनी कोय है, मालदीव नहीं है, मिनी कोय। ठीक है, ये मैं चेंज कर दूंगी, ये मिनी कोय अलग होता है। देखो आपका ऊपर क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के यहाँ पे आपका मिनी कोय, और मिनी कोय के यहाँ पे आपका क्या है? मालदीव। तो इन दोनों के बीच में है 9 डिग्री चैनल, और इन दोनों के बीच में है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, आठ डिग्री चैनल और यहाँ पे ये 9 डिग्री चैनल। उसके बाद बोलते हैं कि इन द्वीपों पर जो पहाड़ियां हैं और जो नदियां हैं वो अनुपस्थित है, यानी कि यहाँ पे पहाड़ और नदियां अनुपस्थित हैं। यहाँ पे यहाँ एंड्रोट, ये देखो ये एंड्रोट है, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। जबकि जो मिनी कोय है वो लक्षद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा और दक्षिण में द्वीप है। ठीक है, ये एंड्रोट सबसे बड़ा और ये मिनी कोय दूसरा। उसके इसमें एक लाइट हाउस भी है और एक मौसम, यानी कि क्या है यहाँ पे? एक तो लाइट हाउस और एक वेदर, यानी कि वेदर को ऑब्जर्व करने के लिए वहां पे एक वेदर ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। फिश फिश मछलियों को पकड़ना मेन ऑक्यूपेशन है लक्षद्वीप के लोगों का। और जो लक्षद्वीप है यहाँ पे जो कोकोनट है वो मेजर क्रॉप है, नारियल उगाया जाता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ दालें वेजिटेबल भी उगाई जाती है, और यहाँ पे जो मैराइन लाइफ है वो बहुत रिच है। ठीक है, ये है आपका।
हम पढ़ेंगे थार डेजर्ट और कोस्टल एरिया, कल ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है कि आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट आप लोगों को समझ में आ गया। कृष्णा आपको जो नोट्स हैं, नोट्स नहीं डाउनलोड करने आते हैं कि नोट्स कहाँ पे मिलेंगे बता दो मुझे, अगर नहीं पता है तो एक बार मैं बता देती हूँ कि नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं आपने। बताओ जल्दी से, आपको पता है नोट्स डाउनलोड करने आते हैं सबको? ओके आज का टॉपिक क्लियर हो गया बेटे? आज पता नहीं बच्चे कहाँ हैं, बच्चों ने लाइव क्लास ज्वाइन नहीं की है। कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। बट गुड इवनिंग रुचि, रुचि जब क्लास खत्म होने वाली है आपने तब ज्वाइन किया है आज? बेटे आप जो मैं आपके नोट्स है ना वो अपलोड कर दूंगी, प्लेटू वाले से आपके नोट्स रहते हैं, और आज वाला भी ये सारा जो है ना अपलोड कर दूंगी। थार डेजर्ट तक का आपका अपलोड हो जाएगा और आगे का फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। ठीक है तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अगर किसी को डाउट है तो अपने डाउट रखिए और मुझे बता देना। बेटे पता नहीं मैंने ना क्लास का शेड्यूल तो अपडेट किया था लेकिन वो कल की डेट का डल गया था बाय मिस्टेकली, मेरी गलती है। हाँ कल का ही दिखा रहा था वो पता नहीं क्यों, पर मैंने है ना 1 घंटा पहले आपको वो कर दी थी, अनाउंसमेंट कर दी थी कि आज क्लास होगी। और मैं मेरे को भी जस्ट जब मैं क्लास शुरू करने लगी जस्ट 1 मिनट पहले पता लगा कि शेड्यूल तो है ही नहीं, फिर मैंने जल्दी से शेड्यूल डाला और तब वो क्लास लगी। कोई बात नहीं है, मैं आज ही है ना अभी अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं आपके कई दिन के जो शेड्यूल है ना वो अपलोड कर दूंगी। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इवन मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि आज का जो शेड्यूल है वो कैसे नहीं डला। कल तो आपकी क्लास है ही नहीं, 14 क्लास हो गई है, कल आपकी 15 क्लास है। तो देखो कल 15 क्लास में हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन खत्म और फिर ड्रेनेज बेसिन हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है तो अब मिलते हैं कल बेटे। अब तो क्लास 1 घंटे की हो चुकी है, क्लास तो खत्म हो चुकी है। आप अब ये जो क्लास है ये अपलोड हो जाएगी, कोई बात नहीं तब देख लेना। और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरी गलती की वजह से आप क्लास नहीं ले पाए बट मैं शेड्यूल अभी अपडेट जो है आपका अपडेट कर देती हूँ। ठीक है और कल मिलते हैं आप, अब स्टार्ट नहीं हुई है कल होगी, अब तो 1 घंटे की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अब हम कल करेंगे।
ओके बेटे, गुड नाइट, टेक केयर।